पंजाब के कुल्हड़ पिज्जा का पल इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा था कि ये उनको डिफेम करने की साजिश है। इंटरनेट पर उनकी अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। हालांकि कपल ने इस वीडियो को फेक बताया है, साथ ही जनता से इस वीडियो को ना देखने की अपील की है। कुछ लोग ट्विटर पर इस कपल की फोटोज और वीडियोज का मीम बनाकर बहुत ही बेहुदा बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी ऊंची हरकत करते हैं। हालांकि सारे लोग इनकी मूर्खताओं में शामिल नहीं हैं, कुछ लोग समझदारी और ढंग की बातें करते हुए भी नजर आए। अंकुर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, इस जोड़े ने 3 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया है। देखिए कैसे सोशल मीडिया एक मेहनती जोड़े की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वीडियो शेयर करना बंद करें। साहिल गुप्ता नाम के यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सहज अरोड़ा, गुरप्रीत कौर, कुल्हड़ पिज्जा कपल का समर्थन करता हूँ। आइए खुद से वादा करें कि हम किसी भी भ्रामक जानकारी को बढ़ावा नहीं देंगे और इस जोड़े को बुरे समय से उबरने में मदद करेंगे। उनका एक नवजात है, यदि उनके लिए नहीं तो आइए नए जीवन के लिए ऐसा करें। इसी कड़ी में यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, कुल्हड़ पिज्जा कपल के साथ जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण था, उसकी भी गलती है, कोई बात नहीं, बस वीडियो को आगे साझा ना करें, कम से कम हम उनके लिए तो कर ही सकते हैं। वायरल मीम से आहत होकर सहज ने अपने इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को रोते हुए दूसरी वीडियो शेयर की। इसमें उन्होंने बताया कि ब्लैकमेल करने वाली महिला ने एक ब्लॉगर के साथ मिलकर उन्हें फंसाया है। सहज ने मोबाइल पर मैसेज भी दिखाए जिसमें एक महिला उनसे पैसे की डिमांड कर रही है, साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो वे वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगी। इसके बाद उन्होंने पैसे देने से इनकार किया और पुलिस का सहारा लिया। इसके बाद ही आरोपित महिला ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी। कुल्हड़ पिज्जा कपल सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर एक बच्चे के माता पिता बन चुके हैं। इस पर भी सहज ने रोते हुए कहा कि जहां घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, आज वहां एक मातम जैसा माहौल छाया हुआ है। ब्लैकमेलर्स ने उनके परिवार की सारी खुशियां छीन ली हैं। सहज ने आगे कहा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले भी ब्लैकमेल किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिस ब्लॉगर पर सहज अरोड़ा ने इल्जाम लगाए हैं, उसने भी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सफाई दी है। आप सभी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। गलती किसी की भी हो पर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें, इस तरह की वीडियोस को शेयर करने से बचें और मूर्ख लोगों में शामिल ना हों। मैं अपने इस महाजन की गल में कहना चाहता हूँ, वीडियो सच्ची झूठी मैं इस बारे में गल कराँगा, पर इस टाइम जो साढ़े घर के हालात में जिड़ी सिचुएशन जो असं निकल गए हैं, अभी सिर्फ 2 दिन पहले वाइफ का ऑपरेट होया और इस समय जो उसकी हालत है, जिस घर के खुशी होनी चाहिए असी अज उस घर मरग वाला माहौल बनया पे है, पता नहीं असं कल बची ना बची, पर असं इतना ज़्यादा परेशान हैं इस गलों। तुम भी अगर अपने आप में साढ़े जगह रख के देखो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी वीडियो इस तरीके कोई वायरल हो गए। हर बंदा अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ करता है, पर कुछ लोग लुके रह जाते हैं, कुछ लोग कभी सामने आ जाते हैं। असी एक वीडियो रुक सकती सी अज तो असं 15 दिन पहले जो असं गए थे पुलिस थाने, जो सू ब्लैकमेल किया गया, ब्लैकमेल करने वे जो थाने गए थे सामने पता करके सारे तो पैसे की डिमांड की जा रही है कि असं थोड़ी वीडियो वायरल कर देंगे। उस कुड़ी ने जो सू मैसेज किया, कुड़ी तेरे ने अरेस्ट कर ली है कुछ टैक्निकल चीज़ा करके, क्योंकि सारा डाटा इंटरनेट का, इंस्टाग्राम का, यह सारिया चीज़ा इतनी नहीं होंगे दे करके। उस कुड़ी ने सू पहली धमकी जो वीडियो भेजी थी, उस वीडियो के पहला मैसेज उन्हें यही किया कि आ अकाउंट में पूरे पैसे भेज दो, नहीं तो मैं थोड़ी वीडियो करण दत्ता भेज दाँगी, मैं थोड़ी वीडियो से करण दत्ता भेज दाँगी। थले बैंक अकाउंट लिखा से उन्हें, नीचे करण दत्ता लिखा हुआ है। असं जड़े हालात चो निकलते हैं, साड़ी जिंदगी पूरी तरह खराब कर दी है। उस कुड़ी को ना तो इन्हें पेज ने कुड़ी ने पालना है, ना तो उस कुड़ी को पेज ने, ना तो वो कोई इन्ना कुछ है कि इस जिस तरीके इस इन्होंने वीडियो में वायरल किया जा रहा है कि वो एडा तो कोई सोर्स नहीं। उस वीडियो को वायरल करने पीछे इस बंदे का हाथ है। मैं हूं तक असं उस दिन असी पूरे तरीके हर चीज़ को वेरीफाई करवाने लगे हुए हैं, पर जी रियल सिचुएशन है सी पूरे तरीके
ये भी सिचुएशन है इस लेवल तक वीडियो को वायरल करने वाला इंसान का लाइव आके साडे बारे गलत बोल रहे हैं। इस बंदे ने पहले भी सानू गलत बोलना नहीं छड़िया, मैं फोन किए क्योंकि जो सानू तंग किया मैं इस बंदे फोन भी किए मेरे को भी कॉल किए कॉल नहीं चुकी बिकॉज इन्हें सब कुछ प्लैन पहले ही कर लिया होया सीगा। और अज वो इंसान कल लाइव आके साडे बारे होर गलत बोल रहा है, कदे वीडियोस पा रहा है, कदे कुछ कर रहा है, साडे बारे होर खिलाफ बोल रहा है। साडी जिंदगी नूं इन्ना बुरा हाल साडी जिंदगी दा इन्ना बुरा हाल कीता पिया कि असीं ना ते इधर चुके हैं ना असीं उधर चुके हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। मेरे बच्चे की जो हालत है तो चार दिन भी नहीं हुए जमे, मेरी वाइफ की जो हालत है अंदर कुछ नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा जो भी हालत है। हाथ जोड़ के बेनती है तुम भी परिवार वाले हो, तुहाडे घर भी मावा भी है भैन भी है, तुहाडे घर भी धीआं ने, ते अज जो मेरे नाल होया कल किसी नाल भी हो सकता है। एक बार अपने आप ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਦ ਬਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ,